Hi friends and my dear student, today we work on English workshop. The story has two part. Right happened in each part. First, in the country, the town mouse went to visit his country cousin. The cousin heartily offered beans, bread and cheese. The town mouse did not like the food. At the big house mein kya hua, where the town mouse live, town mouse mara tha, the town mouse offered his cousin jellies and cakes, better beans and bread in peace than jellies in fear. Wahan pe kya hua? Second question, translate the following into your mother tongue. I do not like that music at my dinner. Mujhe raat ke bhojan ki समय संगीत पसंद नहीं है. बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस दैट केक एंड जेलीज इन फियर. डर के माहौल में, डर के वातावरण में केक और जेली की अपेक्षा सोयाबीन और ब्रेड अच्छा होता है. थर्ड क्वेश्चन, ट्राई टू राइट मोर सेंटेंसेस ऑन द पैटर्न ऑफ बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस दैन केक एंड जेली. एग्जाम्पल, बेटर लेट दैन नेवर एंड अदर सेंटेंस. Doing something is better than nothing. Question number 4. Write the moral of the story in your mother tongue using your own words. Here, जो पहली कहानी थी उसका moral इस प्रकार, संकट के समय मदद न करने वाले मित्र के साथ नहीं रहना चाहिए. दूसरी कहानी का moral, डर के वातावरण में रहने की अपेक्षा शांतिप्रिय वातावरण में रहना ज़्यादा अच्छा होता है. अभी पांचवा प्रश्न इस पाठ का. नेक्स्ट फिफ्थ प्रश्न इज एक्टिविटी बेस्ड लाइव इंग्लिश. रीड द मेन्यू कार्ड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द कार्ड. रेगुलर थाली 160, प्लेन राइस, मसाला भात, चपाती, ज्वार, बाजरा भाकरी एक्सेट्रा, डीलक्स सारी सूप, सूप, जीरा राइस, मसाला भात, चपाती, ज्वार बाजरा राइस भाकरी, वेजिटेबल, दाल, सोलखड़ी, भाजी, फ्रिटर्स, आलू बड़ी, कोथिंबीर बड़ी, सुराली बड़ी, कोशिंबीर, पापड़, दही एंड स्वीट. स्वीट्स, श्रीखंड, आमखंड, आम्रखंड, बासुंदी 40, गुलाब जामुन 30, आमरस 40, पूरनपोली 30 एंड उकड़ीचे मोदक 40. मराठी झटका, दिस इज झुनका भाकर बिन थेचा, मटकी उसल, भराली, वांगी, बटर, दही बाटी, साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, उपवास एट्सेट्रा. अब यहाँ पर मेन्यू कार्ड, गेस द मीनिंग ऑफ मेन्यू कार्ड. गेस द मीनिंग ऑफ मेन्यू कार्ड. इसका आंसर इस प्रकार है, ए का आंसर इस प्रकार है, मेन्यू कार्ड इज अ डिज़ाइन पेपर विथ कंटेंस ऑल द फूड एंड बीवरेज शुड इन अ रेस्टोरेंट इन प्लेस ऑन ईच टेबल फॉर पीपल टू मेक एन ऑर्डर ऑफ व्हाट द वांट टू ईट और ड्रिंक. बी, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेन्यू कार्ड. उसका उत्तर इस प्रकार है, बी, दे कैन बी यूज नो मैटर व्हाट स्टाइल ऑफ मील यू विल बी सर्विंग, वेदर इट्स अ बफेट वन एंट्री आर मल्टीपल एंट्री ऑप्शन. सी, इज दिस मेन्यू कार्ड इन इंग्लिश आर मराठी. डिस्कस. सी, इट इज इन इंग्लिश एंड मराठी वर्ड फ्रॉम द कार्ड सेपरेटली. डी, इंग्लिश वर्ड लिस्ट एट द फाइव इंग्लिश एंड फाइव मराठी वर्ड फ्रॉम द कार्ड सेपरेटली. इंग्लिश वर्ड दिस हेयर, रेगुलर, प्लेन राइस, फ्रिटर्स, स्वीट्स. मराठी वर्ड भात, चपाती, दाल, कढ़ी एंड पापड़. सेकेंड क्वेश्चन इज एक्टिविटी 5. सेकेंड क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू हैव ओपन अ होटल इन द फॉलोइंग प्लेसेस. दही बड़ी, नागपुर, बेंगलुरु एंड लंदन. विच? ए, क्वेश्चन नंबर ए,
Which languages and scripts will you see on your card at each of these places? Answer A. Marathi, Hindi, Kannada, English languages will know to me respectively for script on my card. Question number B. You want to appoint. This is question number two. You want to appoint staff in your hotel. What language do they need to know? Answer. The staff should know the languages like Hindi, Marathi, Kannada, English, etc. Question number C. Design a menu card for your hotel offering food item of your choice, event, fancy name for your dishes. Menu card. This is my menu card. Answer. Menu card. Regular dishes. Rupees, vada pav 15, pav bhaji 14, dashing samosa 15, and royal bhel 30, sweets and rupees, papdi 15, gulab jamun 10, and rasgulle 15. Third question, question number third. Use the menu card given on page number 42 and prepare dialogues for the following situation. Situation number one. Hotel staff welcome to the customer and tells them about the specialties of the hotel. Hotel staff, good evening sir. Can I help you? Customer, we need a table for six. Hotel staff, okay sir, please move towards left. Which type of view do you like to see sir? We have balcony view and rainfall view. Customer, which one is nice? Hotel staff, both view are nice sir. Customer, okay, I like rainfall view. Hotel staff, this is your table sir. Next one is this customer. What is today's special menu? Hotel staff, will you please see the menu card? Customer, yes sure. Hotel staff, order please sir. Customer, 3 deluxe thali and 3 regular thali. Hotel staff, okay sir, your order will reach in 5 minutes. And second situation is this. Second, an Australian family talked to the hotel manager about the item on the menu card. Hotel manager, very good morning madam. Australian customer, good morning. Can you tell us something about the item here? What is this type? Hotel manager, a very good morning madam. Australian, good morning. Can you tell us something about item? What is Srikhand? Hotel manager, it is a sweet dish about is made by the processing on milk. Australian customer, oh really? Hotel manager, would you like to try? You sir? Australian customer, yes of course. And third situation, Maharashtrian family discuss what they want to order. The family includes grandpa, grandma, great grandma, father, mother, uncle, aunt, and 4 children. Mother, what you like to have? I, great grandma, something soft for me and not very spicy. What about you son? Father, I want something spicy. Uncle, I also. Auntie, aunt, I want all menu, little. Children, this is children. We want only sweet. Here, page number 41, language study. You have learned in standard 6 that verbs, action verb, have different form to the show the time at which the action passed. He lived at in a hole. Present, he lives in a hole. Future, he will live on in a hole. You also know that the past tense form usually have d, ed, r, i, ed, a, ed at the end. Some present tense third person singular have yes, es, or ies at the end. Present tense form used I, have, I, we, you, and they do not have yes, es, or ies after them. There is no change in them. The future is indicated by will and shall. Future tense mein will or shall ye dikhaya jata hai. Past tense mein bataya hai ki ant mein uske d, क्रिया के अंत में डी ई डी या आई ई डी होता है, और प्रेजेंट टेंस में
प्रेजेंट टेंस की क्रियाओं में थर्ड पर्सन यस ई एस या आई ई एस के अंत में होता है। फ्यूचर टेंस में मैंने बताया विल या शैल होता है। ओनली एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू शो द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस लाइक पास्ट टेंस लाइक्ड। इधर देखो ई डी प्रेजेंट में लाइक या लाइक्स, फ्यूचर में विल लाइक। इसी प्रकार से अन्य शब्दों को लव लव लव्ड लव या विल लव्स लव्स विल लव। इसी प्रकार से अन्य जो शब्द दिए गए यहाँ पे आंसर आंसर्ड आंसर्स स्कैम्पर्ड वेटेड स्निफ्ड लाफ्ड इस प्रकार से करना है। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल नोट दैट दीज वर्ब्स हैव रेगुलर इरेगुलर पास्ट टेंस वेंट गोज विल गो। रेगुलर जो क्रियापद है उसमें पास्ट में ई डी आई ई डी हैंडी लगता है, लेकिन कुछ इरेगुलर क्रियापद हैं जिसमें उस तरह से नहीं होता। तो यहाँ पर इस टेबल को पूरा करने के लिए वेंट गो गोज एंड विल गो, कम का केम विल कम, एट ए टी एट ईट विल ईट, गिव गिव विल गिव, फ्लू फ्लाई फ्लाइज विल फ्लाई। इस प्रकार से इसको पूरा करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।